ट्रेलर देखा, फिल्म के चार गाने देखे, और मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को बड़े स्टार्स की जरूरत है, क्योंकि स्टार्स, बड़े स्टार, बड़े नाम फिल्म चलाने की गारंटी नहीं होते, और ये बात बार बार साबित हुई है। फिल्म चलती है, कंटेंट चलती है, टेकिंग चलती है, ट्रीटमेंट चलता है, तो ये सारी क्वालिटीज मुझे आज इस फिल्म में दिखाई दी हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत फास्ट पेस्ड है, बड़े पंची लाइंस हैं, और जो नए एक्टर्स हैं बहुत फ्रेश हैं, तो मैं समझता हूं कि इस फिल्म को बड़े स्टार की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र जो है एक पॉलिटिकल सटायर है, और आजकल की राजनीति पे आधारित है। हमने जब 2 साल पहले कोविड में ये शूट किया था, तो हमें पता नहीं था कि इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू डिपिक्ट जो आजकल हमारे राजनीति में चल रहा है। बहुत ही हिलेरियस मैड कॉमेडी है, और माय रोल इज़ ऑफ अ पॉलिटिशियन, तो अलग रोल है, मैंने ऐसा किरदार पहले कभी निभाया नहीं है, एंड आई एन्जॉयड प्लेइंग दिस रोल। आई एन्जॉयड वर्किंग विद ज्यूरिक मीडिया। अमित जी वॉज अ वेरी ग्रेसफुल प्रोड्यूसर, कभी पेमेंट के लिए तंग नहीं किया उन्होंने, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद द एंटायर कास्ट। थैंक यू। देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमारी जो कंट्री है ये सबसे बड़ी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और ये जो पिक्चर बनी है इसका सब्जेक्ट इतना खूबसूरत है, जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको कि ये तो, अरे यही तो हुआ है। और म्यूजिकली वोवन पिक्चर है, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं इसमें, संजय छेल हैं जिन्होंने गाने भी लिखे हैं, स्क्रीन पे डायलॉग लिखे हैं इसके, और म्यूज़िक बहुत ही अच्छा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द सॉन्ग्स और म्यूज़िक। मेरे दोनों बेटों ने मुझे असिस्ट किया है इसमें, म्यूज़िक बनाने में, म्यूज़िक अरेंज करने में, और पूरा एग्जीक्यूट करने में, तो बहुत अच्छी पिक्चर है। आप ज़रूर देखिएगा इसको, और इसको देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और गाना सही में बहुत धमाकेदार था, मैंने सुन के ही हाँ की थी गाना करने के लिए, तो बड़ा मज़ा आया, पूरी टीम के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी राज सर का और अमित सर का। फिल्म में आइटम सॉन्ग का काफ़ी वैल्यू होता है, लेकिन कुछ लोग जैसे पूरा पति ने अपनी में कहा कि मुझे आइटम सॉन्ग या आइटम गर्ल का गाना पसंद नहीं है, तो क्या करके इस बारे में आप? नहीं नहीं, वो तो लोगों की सोच है, वो तो एक टैगलाइन है, एक चीज़ है, जैसे हम कान को आँख और आँख को कान कभी नहीं बोल सकते, तो ये तो खाली शब्द है, आप खुद में क्या हो वो बहुत मायने रखता है। मैं खुद क्या हूँ, अंदर से क्या हूँ, तो मैं सपना चौधरी हूँ, मैं आइटम गर्ल नहीं हूँ। हमने ये गाने कोविड के टाइम में बनाया, जब दुनिया पूरी शांत थी, जब शांति होती है तब संगीत निकलता है, और तब हमने अच्छी ट्यून बनाई ललित साहब ने, और मैंने, संजय छेल ने, मैंने गाने लिखे एक के बाद एक, हम सोचते गए, करते गए, इम्प्रोवाइज करते गए, और ये जो फिल्म है लव यू लोकतंत्र, उसके मिजाज को लेकर हमने पूरा ये म्यूज़िक बनाया है। तो ये गाने ऐसे नहीं किसी भी फिल्म में चल सकते हैं, ये बैंक में से बनाया हुआ गाना है, बैंक में से चुराया हुआ गाना नहीं है, ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखा हुआ गाना नहीं है, ये फ्रेश गाने हमने इस फिल्म के लिए, इस सिचुएशन के लिए बनाए, और इसलिए ये गाने बहुत ताज़ा है सिचुएशन के साथ और म्यूजिक वाइज भी। अरे माइंड ब्लोइंग गाना, मुझे तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट, मैंने जितने गाने किए, लास्ट गाना किया था मैंने सनी लियोनी के साथ लवली एक्सीडेंट, जो आप लोगों ने देखा है, तो मैं तो डांस करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ, हमारे शो में भी सबसे ज़्यादा मैं ही नाचता हूँ, तो आई थिंक हाँ बिल्कुल, हमेशा डांस करता रहता हूँ, आई लव डांसिंग, डांस मेरा पैशन है, तो मुझे जब गाना ऑफर हुआ और दिलेर पाजी का गाना था तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत सारे गाने हम लोग फिल्में आती रहती हैं, इसने गाना गाया, उसने गाया, दिलेर पाजी ने कभी मतलब मेरे लिए नहीं गाया था, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था, गाना भी बहुत पेपी नंबर था, तो मुझे था कि ये गाना मैं करूँगा। बाकी फिल्म का प्रोमो मैंने आज पहली बार देखा, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने स्टोरी सुनी थी लेकिन फुटेज नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम देखी, तो अच्छा अब काम किया है, फिल्म भी डिसेंट है, लेकिन सबसे अच्छा मेरा गाना है। मेरा पति आइटम बॉय बन गया है, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, आप सबको अच्छा लगा ही होगा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, जंप वगैरह सब करके। आई लव द सॉन्ग, अभी भी फॉलो कर रही हूँ। बेस्ट पार्ट मुझे इस गाने का लगा कि भैया ने बहुत अलग हटके कुछ किया है, एक स्टाइल जो था ये मतलब अलग था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल था, और डांस के तो हम सभी फ़ैन हैं इनके। एक्चुअली सबसे अच्छा गाना ही लगा मुझे, प्रोड्यूसर तो नहीं देख रहा, नहीं सबसे अच्छा गाना ही था। सबसे पहले तो अमित भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट। और अमित भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो पिक्चर बनाई है एकदम जोरदार बनाई है, और ब्राइट आउटडोर, पेन इंडिया और मुंबई और सब जहाँ पे उनसे जुड़ा हुआ, मैं डे वन से फिल्म के शूटिंग के मुहूर्त से उनके साथ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतने अच्छे स्टारकास्ट, गाने भी अच्छे हैं, और आज इस फिल्म का मैं इतने बड़े पैमाने में रिलीज़ करने को सर जा रहे हैं, इसके लिए ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये, एक रियल लाइफ लॉयर टू प्ले रोल ऑफ अ रियल लाइफ लॉयर, एक तो एक्ट करना है, वकील लोग तो थोड़े बहुत एक्ट करते ही है इन द यू कैन से कोर्ट रूम, लेकिन यहाँ पे तो रियली एक बहुत अलग टाइप का एक्ट करना पड़ा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा था एंड ऑल दोज थिंग्स वेयर हैपनिंग इन दिस मूवी, बट इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, और कोविड के टाइम पे डिस्टर्बेंस बहुत कम था, एंड वी रियली एन्जॉयड वर्किंग विद द एंटायर क्रू, दिस क्रू हैज़ बीन रियली डूइंग अमेजिंग। एक्चुअली हमने काफ़ी पहले से एक प्लानिंग की हुई थी अबाउट अ फिल्म, लेकिन कुछ स्टोरी जच नहीं रही थी, फिर संजय छिल ने हमको बताया कि आई कैन गिव वेरी डिफरेंट आइडिया ऑल टुगेदर, और आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशंस हुए हैं, एक्चुअली यही स्टोरी हमने एक साल पहले लिखी हुई थी, एंड टुडे इट टर्न्ड इनटू रियलिटी, जो एक्चुअली जब घट रहा है बहुत सारे स्टेट में हो रहा है, बट दिस वॉज अ रियली अमेजिंग कोइंसिडेंस दैट ये पिक्चर हमने डेढ़ साल पहले लिखी हुई थी और आज वो रिलीज़ हो रही है, और उसी तरह की एक्चुअल सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन हो रही है अभी। मैं MLA का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ ईशा खोपेकर मैम के साथ, तो आई थिंक मैं सबसे यंग MLA होने वाली हूँ इस मूवी में। माय नेम इज़ माधवी, पहले आप मेरा नाम जान लें, माधवी लावरे, और ये काफ़ी कॉमेडी मूवी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसके लिए हाँ किया, और इसमें मेरे अली असगर सर, ईशा खोपेकर के साथ काफ़ी अच्छे सीन है।